मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर ग्लोरिया को शूटिंग के लिए मॉडलिंग करता हुआ देखते हैं। मॉडलिंग खत्म होते ही वो अपने घर के लिए जल्दी से निकल जाती है। घर जाने पर वो जल्दी से अपना मेकअप निकालती है। उसने अपना मेकअप, हेयर्स, आईलैशेस सब कुछ उतार दिया। इससे हमें पता चलता है ग्लोरिया अपनी रियल आइडेंटिटी छुपा कर ये मॉडलिंग का काम कर रही थी। इसका ये रीजन था कि वो एक टीचर है। वो नहीं चाहती कि सबको पता चले कि वो मॉडलिंग भी करती है। मॉडलिंग करना उसकी मजबूरी भी थी क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। उसे ये सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ग्लोरिया फिर हमेशा जैसे नॉर्मल रहती थी उसी फॉर्म में आ जाती है और उसका रियल नेम मोनिका था। मोनिका जल्दी से स्कूल पहुंचती है और बच्चों को टीचिंग करना स्टार्ट कर देती है। उसी समय पर वहाँ स्कूल के प्रिंसिपल आ जाते हैं। मोनिका से कहते हैं कि अगर इस बार के एग्जाम में कोई भी फेल होता है तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। पिछले एग्जाम में काफी बच्चे फेल हुए थे। प्रिंसिपल को मोनिका अच्छी नहीं लगती थी और इसी वजह से उसे निकालना चाहते थे और एक अच्छा एक्सक्यूज रहता। इसके बाद हम एंजो नाम के हमारे और एक मेन कैरेक्टर को देखते हैं। वो एक मॉडल था। वो हमेशा लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता रहता था। वो आज भी अपनी महंगी कार से एक लड़की के पास जाता है, उसे फ्लर्ट करने लगता है। वो लड़की भी उससे इंप्रेस्ड हो गई थी और उसके कार में बैठ जाती है। ऐसे ही फ्लर्ट करते हुए अपने स्टूडियो पर पहुंचता है और लड़की को कार से उतार देता है। आगे वो अपने कार से रूल्स तोड़ते हुए आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक पुलिस ऑफिसर रोक देती है। एंजो को रियलाइज होता है कि पुलिस ऑफिसर भी उसी के मैगजीन्स देखती है और उसकी फैन है। एंजो ने फिर उसे कुछ मैगजीन्स दी। उसके साथ फ्लर्ट कर फिर वो वहां से चला गया। पुलिस ऑफिसर भी उसे नहीं रोकती। एंजो फिर अपने स्टूडियो पर आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि स्टूडियो की ओनर ये एंजो की गर्लफ्रेंड है। उसका नाम था एलिसिया। एलिसिया एंजो पर नाराज थी और उस पर चिल्ला रही थी। कहती कि तुम्हें अपने एक्टिंग पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हारे एड्स में तुम्हारे एक्सप्रेशन सही से आ नहीं रहे। इसके बाद वो दोनों कहीं पर चले गए। इसके बाद हम मोनिका को उसके फादर के साथ देखते हैं। वो दोनों एक ग्रेवयार्ड आए थे। मोनिका की मॉम की काफी समय पहले डेथ हो गई थी और उसी के ग्रेव को विजिट करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। नेक्स्ट सीन में हम ग्लोरिया को देखते हैं। वो एक एड के शूट के लिए जा रही थी। रास्ते में उसे लिफ्ट की जरूरत थी। वहाँ अचानक से एंजो आ जाता है। एंजो भी ग्लोरिया जहाँ पर एड कर रही थी वहीं पर एड शूट करने के लिए जा रहा था, पर उन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं था। एंजो फिर ग्लोरिया को लिफ्ट दे देता है। रास्ते में उसके साथ वो फ्लर्ट करने लग गया। ग्लोरिया को ये बात अच्छी नहीं लगती। उसने कार को रोकने के लिए कहा। वो फिर पैदल स्टूडियो पर जाने लग गए। कुछ देर बाद वहां पर एंजो भी पहुंचता है। उस एड का मेल मॉडल था और उसे देखकर ग्लोरिया सरप्राइज हो जाती है। उसे आज उसी के साथ काम करना था। एड की शूटिंग स्टार्ट होती है और इस एड में उन दोनों को एक दूसरे को किस करना था। ग्लोरिया तो पहले करने के लिए स्ट्रगल करती है पर बाद में वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। ये सीन डायरेक्टर को परफेक्ट लगा था। ग्लोरिया को ये सब करना पड़ा, इस वजह से वो खुश नहीं थी। वो एंजो को किस नहीं करना चाहती थी। गुस्से में वो कार के गियर को पीछे कर देती है। इससे कार अपने आप पीछे जाने लग गई और पूरा सेट टूट जाता है। इस बात से एंजो गुस्सा हो गया और वहां से वो चला गया। ग्लोरिया फिर से मोनिका बनकर स्कूल आ जाती है। पैरेलल में एंजो और एलिसिया के बीच में झगड़ा होने लगता है। एलिसिया नहीं चाहती थी कि एंजो ग्लोरिया को किस करे, इस वजह से उस पर वो चिल्ला रही थी और दोनों में झगड़ा हो जाता है। एलिसिया गुस्से में एंजो को घर से बाहर निकाल देती है। एंजो एक्चुअल में बहुत ही आलसी था, तो एलिसिया के पैसों पर ही जिया करता था। घर से निकाले जाने के बाद उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। वो फिर अपने बड़े भाई के घर पर चला जाता है। उसके ब्रदर का नाम था बेन। वो एंजो को अचानक से यहाँ पर देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है। उसे अपनी प्रॉब्लम्स बताने लग गया। बेन मैरिड था और उसकी बेटी भी थी। बेन और उसकी वाइफ में झगड़ा हुआ था और इसी वजह से उसकी वाइफ गुस्से में वहां से चली गई थी। अपनी बेटी को बेन के पास ही छोड़कर गई थी। बेन एंजो के यहाँ पर रहने के लिए हाँ कर देता है, पर उसकी एक शर्त थी कि बेन की बेटी एनी का एंजो को ख्याल रखना पड़ेगा। एंजो को ये बात माननी पड़ती है। नेक्स्ट डे फिर एंजो एनी को उसके स्कूल लेकर जाता है। एंजो को स्कूल ले जाते वक्त एनी रोने लग गई। उसे अपनी मदर के पास जाना था। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि एनी की टीचर और कोई नहीं तो मोनिका है, यानी कि ग्लोरिया है। मोनिका ने मेकअप नहीं पहना था और इसी वजह से एंजो उसे पहचान नहीं पाता। मोनिका ने फिर एनी को शांत किया। इसके बाद एंजो एनी को घर वापस ले जाता है। नेक्स्ट सीन में एंजो कुछ फ्लावर्स लेकर एलिसिया के पास जाता है ताकि उसे वापस मना सके। एलिसिया एंजो के हाथ में फ्लावर्स देखकर मान भी जाती है। एलिसिया एंजो को कहती है कि अब तुम्हें एड फिर से करना पड़ेगा क्योंकि सेट में एक्सीडेंट हो गया था। आगे की शूटिंग हो नहीं पाई थी, पर इस बार ग्लोरिया को किस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम मोनिका को देखते हैं, जिसने अब डिसाइड कर लिया था कि वो फिर से मॉडलिंग नहीं करेगी, सिर्फ टीचिंग में ही अपना ध्यान देगी। वैसे भी उसकी प्रिंसिपल हमेशा लेट आने की वजह से उससे परेशान थी। सेकंड रीजन था कि लास्ट एड में किसिंग सीन उसे पसंद नहीं आया था। नेक्स्ट सीन में फिर मोनिका अपने डैड से मिलने के लिए गई। वो उनके गैराज जाती है। गैराज में उसे अपने डैड इंजर्ड हालत में मिलते हैं। उसे फिर पता चलता है कि उसके डैड ने लोन लिया था जो रिपे वो नहीं कर पाए। आज फिर लोन देने वाले लोगों ने उन्हें बहुत मारा था।
मुनिका फिर पुलिस को ये सब बताने का डिसाइड कर दिया। उसके डैड ने उसे रोक दिया। वो कहते हैं कि गलती तो पहले मेरी ही है। मोनिका को रियलाइज होता है कि अब लोन रिपे करने के लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। ये वो टीचिंग से नहीं कमा सकती। वो फिर से मॉडलिंग में वापस जाने का डिसाइड कर लेती है। इस बार उसका फिर से शूट एंजो के साथ ही था। अब एंजो और मोनिका दोनों मिलकर एड का डील फिक्स कर लेते हैं। वो दोनों फिर एड में मॉडल करने वाले थे। अब क्लॉडिया और एंजो साथ में काम करने लगते हैं, जिसमें क्लॉडिया को भी एंजो से बात करने में अच्छा लगने लगता है। एंजो भी क्लॉडिया के साथ बहुत फ्लर्ट करता है। एक बार जब सब बैठकर एड का थीम डिसाइड कर रहे थे तो उन्हें कुछ भी आइडिया आ नहीं रहा था। क्लॉडिया फिर उन्हें एक आइडिया सजेस्ट करती है जो सबको पसंद आता है। इसके लिए सब क्लॉडिया की तारीफ भी करते हैं। अब जब एड की शूटिंग होने वाली थी तो एंजो एनी को भी शूटिंग पर लेकर आता है ताकि उसका मन बहल सके। एनी मोनिका की स्टूडेंट थी, इसलिए क्लॉडिया को पता चल जाता है कि उसे पहचान लेगी। वो फिर बेन को कहकर एनी को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। किसी तरीके से उस दिन की शूटिंग खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ हम मोनिका के फादर को देखते हैं। उनका फ्रेंड ने लगभग गेस कर लेता है कि मोनिका और मॉडलिंग वाली क्लॉडिया ये दोनों एक ही है। वो फिर मोनिका को ब्लैकमेल करना चाहता था। नेक्स्ट डे मोनिका अपने स्कूल के बच्चों को पिकनिक पर ले जाने वाली थी। इसके लिए एंजो एनी को स्कूल छोड़ने के लिए आता है। एंजो को मोनिका के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था और बच्चों के लिए भी बस कम पड़ रही थी। वो फिर एक आइडिया लगाता है, मॉडलिंग की वैन का इंतजाम करता है। ये बच्चों को बहुत पसंद आया। पिकनिक स्पॉट पर बच्चों एंजो के साथ बहुत खेलता है। ये सब देखकर मोनिका को भी बहुत अच्छा लगता है। एंजो की भी मोनिका के साथ बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। उन दोनों में बहुत अच्छी बातें होने लगती है। अचानक से एनी की फ्रेंड ने गलती से उसे फिश खिला दिया था। इससे एनी एलर्जिक थी। एनी चोक होने लगती है। सभी लोग डर जाते हैं। तभी वहां पर मोनिका आकर उसे इंजेक्शन देती है। उसे एनी के एलर्जी के बारे में पता था और हमेशा अपने पास वो उसके लिए इंजेक्शन रखा करती थी। इंजेक्शन के बाद एनी ठीक हो जाती है। बातों बातों में एंजो मोनिका से पूछता है कि मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उसे प्यार करता हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे वो इम्प्रेस हो सके। वो लड़की और कोई नहीं तो क्लॉडिया ही थी। मोनिका इसके जवाब में उसे कहती है, उसे इम्प्रेस करने के लिए उसे अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर जाओ, वहाँ पर अच्छा म्यूजिक होना चाहिए, जाके अच्छा फूड ऑर्डर करना, बहुत सारी अच्छे से उससे बातें करना। एंजो मोनिका की बातों को सीरियसली फॉलो करता है। वो क्लॉडिया जो मोनिका ही थी उसे बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करता है। क्लॉडिया इस बात से बहुत खुश थे। क्लॉडिया फिर एंजो की कार ड्राइव करते हुए अपने घर की तरफ जाने लगती है। इसमें वो बहुत ही फास्ट ड्राइव करती है। एंड में वो एंजो को अपनी फेवरेट कार दिखाती है जो उसके डैड के गैराज में थी। ये देखकर एंजो को भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसे भी कार्स का बहुत शौक था। क्लॉडिया के फादर की कार पुरानी थी पर फिर भी उन्होंने बहुत ही कंडीशन में उसे रखा था। उन दोनों ने आज बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को एक एड में किस करता हुआ देखते हैं। ये बहुत ही बोल्ड था। ये देखकर एंजो की गर्लफ्रेंड एलिसिया बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एलिसिया को लगता है कि शायद अब ये दोनों एक दूसरे के ज्यादा ही करीब आ रहे हैं। दोनों में प्यार होने लग गया है। एलिसिया फिर वॉशरूम में जाती है। वहां पर क्लॉडिया थी। उसने क्लॉडिया के सामने आकर ऐसा प्रिटेंड किया कि जैसे वो प्रेग्नेंट है। इसे फिर क्लॉडिया और एंजो के बीच में जो भी बॉन्ड है ये टूट जाएगा। एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट नहीं थी। मोनिका ये बात नोटिस करती है और उसे बुरा लगता है। दूसरी तरफ मोनिका अपने डैड से मिलने के लिए जाती है। वो जब वहां से निकली तो डैड का फ्रेंड जो एक मैकेनिक था वो मोनिका को रोक देता है। वो कहता है कि ये बात मैं तुम्हारे डैड को बता दूंगा, अगर तुम नहीं चाहती कि ऐसा हो तो तुम्हें इसके बदले में मुझे कुछ पैसे देने होंगे। मोनिका गुस्से में इसे मना कर वहां से चली जाती है। अब क्लॉडिया को लगता है कि एंजो सही लड़का नहीं है, इसलिए उसे इग्नोर करने लगती है। एंजो को ये बात समझ में नहीं आती और क्लॉडिया के साथ वो ट्राई करता रहता है। क्लॉडिया का उसे इग्नोर करने की बात जब उसे पता चली तो शाम में वो मोनिका से मिलने के लिए आया। वो कहता है कि तुम्हारी टिप्स वर्क नहीं कर रही, मैं क्लॉडिया को इम्प्रेस करना चाहता था पर वो मुझे उल्टा इग्नोर कर रही है। इस बात पर मोनिका कहती है कि शायद तुम उसे डिजर्व नहीं करते। नेक्स्ट सीन में क्लॉडिया अपने काम के लिए स्टूडियो में थी, पर तभी उसे न्यूज मिलती है कि स्कूल में कुछ प्रॉब्लम है। स्कूल में उसके एक स्टूडेंट ने खुद को एक रूम में लॉक कर लिया था क्योंकि सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। क्लॉडिया फिर अपना सब विग वगैरह उतार कर मोनिका बन जाती है और सीधा स्कूल पहुंच के उस लड़के से बात करने के लिए रूम के अंदर जाती है। वो उसे मोटिवेट करती है ताकि वो अपना डर कम कर सके। होता भी फिर वैसा ही है। वो लड़का फिर रूम से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में मोनिका अपने एड के लिए लेट हो रही थी, इसलिए जल्दी से स्टूडियो के लिए निकल जाती है। पहले ही सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे। नाडिया एलिसिया को मौका मिल गया था। वो उस पर बहुत ही गुस्सा हो गई थी क्योंकि उसे पहले ही पसंद नहीं करती थी और आज क्लॉडिया लेट थी। स्टूडियो में एंजो और एनी भी थे। यहाँ एनी क्लॉडिया की फोटो देखकर उसे पहचान लेती है कि क्लॉडिया उसकी टीचर मोनिका ही है। ये बात उसने अपने अंकल एंजो को भी बता दिया कि क्लॉडिया ही उसकी टीचर मोनिका है, उसने सिर्फ वीक पहना हुआ है। अब क्लॉडिया जल्दी से स्टूडियो में पहुंचती है। वहां पर एलिसिया उसे लड़ने लगती है। समहाउ बाकी लोग उन्हें अलग करते हैं। यहाँ क्लॉडिया को ये भी पता चलता है कि एलिसिया प्रेग्नेंट नहीं है, यानी कि उसने जो भी उसे दिखाया था ये सब कुछ झूठ था। नेक्स्ट डे फिर एंजो को ये पता करना था कि क्या क्लॉडिया ही मोनिका है।
इसके लिए वो एक कैफे में उसके पीछे आ जाता है। वो उसे बात करता है और ये रिवील कर देता है कि शायद तुम ही क्लॉडिया हो। पर मोनिका इस बात को नहीं मानती। दोनों की काफी बातें होने लगती है। वो दोनों फिर से पूरा दिन एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हुए स्पेंड करते। रात में घर जाते हो तो एक दूसरे को किस करने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर बस आ जाती है और उनकी किस हो नहीं पाती। मोनिका फिर घर चली गई। नेक्स्ट डे मोनिका के स्टूडेंट्स का एग्जाम था। स्कूल के प्रिंसिपल से कहते हैं कि एग्जाम डिसाइड करेगा कि क्या तुम स्कूल में रहोगी या फिर नहीं। ये सुनकर मोनिका जरा टेंशन में आ गई थी। दूसरी तरफ वो मेंजो को देखते हैं जो अपने बड़े भाई बेन से पूछता है कि मुझे एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में आना है। वो दो लड़कियों के बीच में डिसाइड नहीं कर पा रहा। वो बेन को क्लॉडिया और मोनिका की दोनों की फोटो दिखाता है। पूछता है कि इनमें से कौन सी लड़की ज्यादा अच्छी है। बेन कहता है कि दोनों लड़कियां काफी हद तक सेम ही है। दोनों की फेस की सिमेट्री सेम है। पर ये सब छोड़कर बेन ने उसे एडवाइस दी, तुम्हें उसी लड़की के साथ रहना चाहिए जिसके साथ तुम ज्यादा क्लोज फील करो। अब हमें ये भी पता चलता है कि बेन की वाइफ जो उससे गुस्सा होकर चली गई थी वो वापस आ चुकी है। एंजो यहाँ से एनी को लेकर एड के प्रमोशन के लिए स्टूडियो पर पहुंचता है। यहाँ आज उनके एड की स्क्रीनिंग भी थी। यहाँ क्लॉडिया भी आई हुई थी। मोनिका के फादर को उनका फ्रेंड यहाँ पर लेकर आया था। वो आज क्लॉडिया को एक्सपोज करना चाहता था कि क्लॉडिया ही मोनिका है। एंजो और क्लॉडिया दोनों स्टेज पर आते हैं। सब लोग उन्हें देखकर बहुत ही इंप्रेस्ड होते हैं। सभी काफी एंजॉय करते हैं। मोनिका के फादर ने पूछा, तुम यहाँ पर मुझे क्यों लाए हो? फ्रेंड कहता है कि इसका रीजन मैं तुम्हें बताऊंगा। स्क्रीनिंग के बीच में ही एनी फिश फूड से बनी हुई एक डिश खा लेती है। इससे वो चोक करने लगती है। सभी लोग उसे हेल्प करने के लिए आगे आते हैं। ये चीज जब क्लॉडिया ने देखी तो स्क्रीनिंग छोड़कर वो एनी के पास आके उसे इंजेक्शन लगा के ठीक कर देती है। ये सब करने के बीच में उसने अपना वीक भी निकाल दिया था। अब सब लोगों को पता चल जाता है कि क्लॉडिया ही मोनिका है। ये बात उसके डैड को भी पता चल गई। एंजो भी बहुत ही शॉक था। मोनिका के फादर को उनका फ्रेंड कहता है कि देखो, ये तुम्हारी बेटी की सच्चाई है। फादर ने कहा कि मैं मेरी बेटी पर प्राउड हूँ। उसने जो भी किया ये सिर्फ मेरी हेल्प करने के लिए किया। इसके पीछे कोई बुरा इंटेंशन नहीं था। तुम मुझे सिर्फ यहाँ पर हम दोनों के बीच में झगड़ा लगाने के लिए लाए हुए थे। वो अपने फ्रेंड पर गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें पंच कर देते हैं। मोनिका स्टूडियो में इतना सारा कैओस देखकर वहां से चली जाती है। उसके पीछे एंजो भी आता है पर मोनिका चली गई थी। नेक्स्ट डे मोनिका अपने डैड से बात करके स्कूल जाती है। वह उसे पता चलता है कि प्रिंसिपल ने उसे टीचर की पोस्ट से निकाल दिया था। इस बात से वो दुखी हो गए और अपना सारा सामान लेकर वहां से जा रही थी। बाकी टीचर्स उसे कहते हैं कि ऐसा मत करो। तभी वहां पर एंजो बाकी सारे बच्चों के साथ मोनिका के लिए चीयर करने लगता है। इससे मोनिका काफी खुश थी। यहाँ पर सारे पेरेंट्स भी आए हुए थे। वो प्रिंसिपल से बात करते हैं कि अगर तुमने मिस मोनिका को यहाँ से निकाल दिया तो अपने बच्चों को इस स्कूल से वो निकाल देंगे। उन्हें मोनिका एक बहुत ही अच्छी टीचर लगती थी। सारे पेरेंट्स कहते हैं कि मिस मोनिका बच्चों को पढ़ाई से ज्यादा उन्हें सपोर्ट भी करती है। उन्हें मोनिका को नहीं निकालना चाहिए। अब इस पर प्रिंसिपल कहते हैं कि ये सब कुछ अब रिजल्ट डिसाइड करेगा। इसके बाद उन्होंने रिजल्ट देखा तो हमें पता चलता है कि स्कूल के सारे स्टूडेंट ने कंट्री में सबसे ज्यादा स्कोर किया था। ये उनके स्कूल की हिस्ट्री में कभी भी पॉसिबल नहीं हुआ था। इस बात से सब लोग खुश हो जाते हैं और अब मोनिका को स्कूल से कोई निकाल नहीं सकता था। एंजो मोनिका के साथ आकर स्कूल में खड़ा हो जाता है और वहां पे वो मोनिका को किस करता है। सभी बच्चे कहने लगते हैं कि मोनिका मेरे सब प्यार में है। सब मिलकर उनके लिए गाना गाने लग गए। इस सब बातों से मोनिका शर्मा जाती है। एंजो फिर मोनिका फिर एक दूसरे के लिए अपना प्यार कन्फेस करते हैं। वो फिर बेन से मिलने के लिए गए। बेन की भी वाइफ अब घर आ गई थी। इसके बाद वो मोनिका की विंटेज कार लेकर ड्राइव के लिए जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हुए एंजॉय करते हैं। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।